वे वीर जिनकी तलवारों में वास्तव में भवानी का वास था, वे वीर जिनके नाम मात्र से दुश्मन थर थर कांपने लग जाते थे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने 1630 से 1680 तक भारत भूमि को संभाला। ये वीरों के वीर महायोद्धा सूरवीर थे। इनको हिंदू हृदय सम्राट कहकर सम्मान दिया जाता है। दादा से युद्ध कौशल, माता से वेद ज्ञान और संतों से मार्गदर्शन लेकर महाराज ने अखंड हिंदुस्तान में भगवे को बुलंदियों पर ले जाने की हुकार भरी। दक्षिण में एक ये शेर ही बैठा था जिसके कारण किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं हुई कि मराठा देश में कोई विदेशी शत्रु कदम रख सके। ये अखंड भारत में हिंदू स्वराज्य चाहते थे और इनके वीरों ने इनका सपना पूरा भी किया। हमारे महाराज छापामार युद्ध में माहिर थे। ऐसा कोई वीर नहीं हुआ जो श्रीमंत को छापामार युद्ध में परास्त कर सके। हुकुम ने औरंगजेब को खूब सताया। ये ऐसे वीर थे जिन्होंने औरंगजेब के ही दरबार में जाकर भरे दरबार में मूछों को ताव देते हुए औरंगजेब को विश्वासघाती और छल करने वाला बता दिया। नमन कीजिए इस शेर सम्राट को जिसने अपने जीवन काल में 360 मुगल किलों पर भगवे का परचम बुलंद कर दिया। बहुत जल्द महाराज के संपूर्ण इतिहास पर वीडियो बनाया जाएगा। संभाजी महाराज उर्फ शेर का शावक, इन्होंने 1657 से 1689 तक भारत भूमि को संभाला। खून में गर्मी, आवाज में जोश, तलवार की गूंज और ऊंचे तेवर होना लाजमी था, क्योंकि वीर श्रीमंत शिवाजी महाराज के खून थे। तभी तो इनको शेर का शावक कहकर सम्मान दिया जाता है। इनके गुस्से और गर्म तेवर को संभालने का काम पंडित कलश किया करते थे, जो इनके परम मित्र थे। वीरों के वीर संभाजी महाराज ने 1680 में बुरहानपुर पर धावा बोल दिया। बुरहानपुर में मराठा हिंद सेना कहर बनकर टूट पड़ी। हजारों मुगलों को मार दिया गया और किलों को अपने अधिकार में ले लिया गया। यहीं से ये आज के बांग्लादेश की तरफ निकल पड़े, जहां मुगलों को अपनी तलवार की धार से परिचित करवाया। मुगलों के लिए संभाजी महाराज काल का दूसरा नाम थे। जब पुर्तगालियों ने मुगलों से हाथ मिलाया तो इसकी खबर मिली संभाजी महाराज को। 1683 में संभाजी महाराज ने गोवा में कहर मचा दिया। शिवपुत्र दादा महाकाल की गरज के साथ अंग्रेजों पर काल बनकर टूट पड़ी। हजारों अंग्रेजों की समाधियां बना दी गई। 1681 में शिवपुत्र कवि कलश के साथ मैसूर में घुस गए और अपने साम्राज्य को बहुत तेजी से विस्तार करते हुए स्वराज्य की स्थापना की। इन्होंने हजारों हिंदुओं की गर्वापसी का कार्य किया। इन्होंने अपने जीवन काल में 120 लड़ाइयां लड़ी और सभी में अपनी जीत दर्ज की। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को अंत तक परेशान करके खूब घुमाया। इनसे निपटने के लिए औरंगजेब खुद अपनी सेना लेकर दक्षिण अभियान पर महाराष्ट्र आ गया। तभी उत्तर भारत के राजपूत राजा मुगल सेना के खिलाफ खड़े हो गए और लगभग उत्तर भारत में स्वराज्य की स्थापना हो गई। यही संभाजी महाराज चाहते थे कि औरंगजेब किसी भी तरह उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ आए और उत्तर भारत के राजपूत स्वराज्य की स्थापना करे। ये राजनीति नहीं, संभा नीति थी। नमन है ऐसे शेर के शावक को। श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाड भट्ट। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता है। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने पेशवा के पद की शान बढ़ाकर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। ये जन्म से ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय थे। इन्होंने अपने जीवन में 42 युद्ध लड़े, पर ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ जो इन्हें युद्ध में परास्त कर सके। मुगल शासकों में इन्होंने मराठाओं का इतना खौफ भर दिया था कि मुगलिया फौजें इनके नाम से ही अपनी हार स्वीकार कर लेते। ये घोड़े पर बैठे बैठे ही भाला फेंकने का हुनर रखते थे। बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाले घुड़सवार से भाले को आर पार कर देते थे। इन्हें अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट कहकर सम्मान दिया जाता है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत तेजी से विस्तार दिया। इनके समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। ये विदेशी भारत के देवस्थान तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करवाते, महिलाओं व बच्चों को मारते, भयंकर शोषण करते। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई
कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी महाराज का अवतार मानने लगे।